तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या महाराष्ट्र में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाले हैं। यदि संपूर्ण डाउन लगने वाले हैं तो कितने दिनों के लिए लगने वाले हैं, 7 दिन 15 दिन। यदि संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो क्या जितने भी महाराष्ट्र में लोकल या फिर स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं ट्रेन कैंसिल होंगे, यदि ट्रेन कैंसिल होंगे तो पैसे रिफंड कैसे मिलेगा, आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र। यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोगों को पता होगा कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी बीच महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इसके बाद सोमवार से शुक्रवार तक 8 बजे शाम से लेकर सुबह सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इसके बाद दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कई न्यू गाइडलाइंस जारी किया है। 10 बजे रात से लेकर सुबह सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। और यदि आप महाराष्ट्र से बस ट्रेन या फ्लाइट से यदि आप दिल्ली आते हैं तो आप लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। यदि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेकर आते हैं तो आप लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाले हैं? क्यों सारे ऐसे न्यूज चैनल है दावा किया जा रहा है 15 दिन 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। तो दरअसल अभी तक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि 7 दिन या फिर 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है महाराष्ट्र में। ये स्थिति के देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा महाराष्ट्र में कितने दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना में गिरावट देखने को मिला है तो ये 24 से 48 घंटा में पता लग जाएंगे कितने दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे। यदि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो ट्रेन कैंसिल होंगे या फिर नहीं, लोकल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया है जिसमें बताया गया हो लोकल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन जितने भी महाराष्ट्र में चल रहे हैं ट्रेन कैंसिल होंगे। तो ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है ट्रेन कैंसिल को लेकर। तो बस आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।